गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हमारे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग सरफेस टेंशन यानी लिक्विड की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि जिसके कारण रेनी ड्रॉप्स सर्कुलर या स्फेरिकल होते हैं, थोड़े बहुत इंजेक्ट वो सरफेस पे चल सकते हैं। आपको पता होगा कि लिक्विड सरफेस पे वो छोटे कीटक या इंजेक्ट्स होते हैं, वो चल सकते हैं। दोस्तों जो रेनी ड्रॉप होता है वो पर्टिकुलर राउंड शेप में ही बनेगा, क्योंकि हर एक लिक्विड ऐसा ट्राई करेगा उसका एरिया मिनिमम हो। वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी कारण जिसका नाम है दोस्तों सरफेस टेंशन। दोस्तों उसको समझने के लिए मैं आपको पहले एक फॉर्मूला बोलता हूं कि सरफेस टेंशन यानी एस या टी एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। दोस्तों फॉर्मूला पक्का कर दो, आपकी डेफिनेशन खुद में खुद क्लियर हो जाएगी, आपका फॉर्मूला रेडी। टी यानी चाय मतलब टेंशन इज इक्वल टू एनर्जी बाय एरिया, आपकी डेफिनेशन डन हो गई। दोस्तों द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट एरिया ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड इज नोन एज सरफेस टेंशन। नहीं फिजिकल क्वांटिटी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय एरिया। चलो दोस्तों उसका यूनिट बना, एनर्जी का यूनिट क्या होता है जूल, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, तो उसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर। एज वेल एज एमएलटी डिफाइन करो, जूल का होता है m1l2t-2, एरिया का l2 m1l0t-2। दोस्तों अगर कोई सर ऐसा पेपर निकाले और ऐसा बोल दे कि इसके हिसाब से कोई यूनिट बन सकता है, यस माय डियर स्टूडेंट्स, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर, ये भी यूनिट सरफेस टेंशन का ही होगा। दोस्तों कोई भी लिक्विड होता है, कोई फ्लूइड होता है, वो ट्राई ऐसा करता है कि उसका एरिया मिनिमम, क्योंकि दोस्तों फिर से एक वर्ड यूज करता हूं, लिक्विड के अंदर ही ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ेगा सरफेस टेंशन डिक्रीज होगा। लिक्विड में इसी दोस्तों ऐसा है कि टेम्परेचर बढ़ा सरफेस टेंशन डिक्रीज हुआ, या गैसियस फॉर्म में उससे उल्टा है, टेम्परेचर भी बढ़ेगा और सरफेस टेंशन भी बढ़ेगा। अब दोस्तों धीरे धीरे नजदीक पहुंच रहे और समझ में आ रहा है कि सर हमें कुछ भी करके उसका एरिया बढ़ाना है तो हमें उस पर वर्क करना पड़ेगा। देखो द वर्क डन टू इंक्रीज अ यूनिट सरफेस, यानी वर्क करना पड़ेगा एरिया बढ़ाने के लिए, तो ये भी दोस्तों आपका सरफेस टेंशन ही हुआ। देखो द वर्क डन टू इंक्रीज अ यूनिट एरिया ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द सरफेस टेंशन। तो एक डेफिनेशन रेडी, दूसरी डेफिनेशन रेडी, सिर्फ फॉर्मूला के हेल्प। तीसरी बात दोस्तों यही चीज को मैं बोलू कि सर यहां पे पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी। दोस्तों कोई भी लिक्विड होगा ना, उसके पास जो सरफेस एनर्जी होगी वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको एनर्जी बढ़ा रहे हो, उसका एरिया बढ़ा कर रहे हो, तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो यहां पे हीट एनर्जी भी काम करती है। तो सरफेस एनर्जी यानी इन दोनों का एडिशन। फिर मेरे को सडनली समझ में आया कि सर जैसे कि मैंने एक जगह पानी भर दिया और मैं ऊपर से देख रहा हूं, तो मेरे को एक सर्कल दिखाई देगा, ये पूरा पानी भरा हुआ है, उसकी फ्री सरफेस को मैं बीच में यूनिट लेंथ एक लाइन कंसीडर कर देता हूं, उसकी एक तरफ वाले मॉलिक्यूल्स, देखो दोस्तों एक तरफ वाले मॉलिक्यूल्स दूसरे तरफ वाले मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाएंगे। यस सर, ये फोर्स कुछ ऐसा होगा, ये फोर्स सरफेस के पैरेलल, ये सुनो सरफेस के पैरेलल और लाइन के परपेंडिकुलर, देख सकते हो दोस्तों। तो ये फोर्स को भी मैं क्या बोलूंगा, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन मतलब फोर्स बाय लेंथ। सर आप समझाओ, अ लाइन ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ फ्री सरफेस एक्सेप्ट नियर टू द वॉल इज शो, दिख रहा है आपको, द फोर्स एक्सट्रैक्ट ऑन बोथ साइड एंड पैरेलल टू द लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सॉरी परपेंडिकुलर टू द लाइन, देख सकते हो, एंड पैरेलल टू द सरफेस। तो इसके हिसाब से भी दोस्तों यूनिट बनेगा न्यूटन पर मीटर, और उसका एमएलटी भी एज वेल एज यही आया।
सो प्लीज सरफेस टेंशन को समझना, क्योंकि सरफेस टेंशन की तीन डेफिनेशन समझाई, तीनों के फॉर्मूला जो लगातार न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज में आते हैं उसका कंसेप्ट भी समझाया, टेम्परेचर के साथ उसका रिलेशन भी समझाया। सर आपने बोला कोई प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाओ, तो मैंने एक यू ट्यूब ले ली है जिसको मैंने यहाँ पे लिक्विड भर दिया, जिसको आपको पता होगा आप छोटे थे ऐसे बबल बना के फुला जाते हैं, याद आया एक शोक का लिक्विड होता है हम उसको डुबाते हैं और ऐसे फूक मारते हैं तो वो एक सर्कल बन जाता है, बबल्स बन जाते हैं। तो उसका रीजन भी दोस्तों ये एक फिल्म है दोस्तों, इसका अगर मैं एरिया लिखना चाहूं तो एल इंटू बी लिख सकता हूं, पर याद होगा कि यहां भी सरफेस है यहां भी सरफेस है, उसकी दोनों सरफेस फ्री सरफेस है, यानी टू साइड्स फ्री सरफेस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट के पास टू साइड फ्री सरफेस होती है तो टू से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। दोस्तों मैंने जिस साइड उस पर फोर्स लगाया उसकी चीज इंक्रीज हुई, सपोज ब्रेथ जितनी उसका इंक्रीज हो गया वो लास्ट पोजीशन पे आ गई, तो चलो उसके एरिया में कितना चेंजेस हुआ, एरिया में टू एल डी। यस सर पता चल गया, तो अब उसके हिसाब से सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन का मतलब फोर्स बाय यूनिट लेंथ, पर यहां पे दोस्तों आपको पता है 2L प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि दो सरफेस है, कैसे करेंगे तो दूसरा फॉर्मूला एनर्जी डिवाइड बाय डेल्टा है। दोस्तों एनर्जी की जगह मैं यहाँ पे वर्क लिख सकता हूं क्योंकि डेफिनेशन में हमने वर्क का भी सिखाया था, यस और नो, तो वर्क होगा उतनी एनर्जी, उतनी एनर्जी यानी वर्क यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एरिया 2LB। फोर्स को कुछ नहीं करेंगे, डिस्प्लेसमेंट आपने कितना बोला बी, सो 2L इंटू बी, बी भी कट हो गया। देखो सरफेस टेंशन का आपने जो बोला वही फॉर्मूला आया, आपको समझना था कि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो आप देख सकते हो कि आपका फॉर्मूला आ गया, यस और नो, यस सर, 2 सरफेस था, रिपीट दोस्तों 2 सरफेस था इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया, एक न्यूमेरिकल हो जाए, फोर्स दिया है लेंथ दी है। दोस्तों सरफेस टेंशन का अभी फॉर्मूला, सरफेस टेंशन को आप फोर्स बाय यूनिट लेंथ 2L लिख दिया, फोर्स 1.5 इंटू 10^-2। यहाँ पे 2 वैसा का वैसा, दोस्तों लेंथ 0.3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटीमीटर में है, हमारा आंसर 1.5 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 10^-2। सो इसका रेशियो लगभग 15/6 यानी 2.25 या फिर 2.5 लिख दो इंटू 10^-2 न्यूटन पर मीटर। आपको ये बोला कि सर ये ओरिजिनल शेप, मैंने फोर्स लगाया यहां पे, टेम्परेचर कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, यानी यहां पे लिक्विड वाटर है तो यहां पे वाटर है, यहां भी वाटर है, टेम्परेचर कांस्टेंट, मटेरियल कांस्टेंट, तो सीधी सी बात है दोस्तों सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि आप फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं, रिपीट फोर्स कांस्टेंट लगा रहे हैं, सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट है, तो चेंज इन लेंथ भी दोस्तों क्या होने वाली है, कांस्टेंट, क्योंकि वो शेप पे डिपेंडेंट नहीं है, कोई भी शेप होगा उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा, उसकी लेंथ इसमें भी 40 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी, इसमें भी 40 सेंटीमीटर इंक्रीज होगी। दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट सरफेस टेंशन, प्लीज इसको समझना क्योंकि हमें पता चला कि सर मिनिमम एरिया बनेगा वही इसका रीजन है, तो ध्यान से देख लो और पक्का कर दो सरफेस टेंशन का सबसे बढ़िया टॉपिक मेरे दोस्तों।